Kindly subscribe the channel and hit the bell icon to get regular updates. Thank you. Hello children, this is Anita Pandey, your social studies subject teacher. Here I am explaining to fifth chapter community living. Samudayik ya ek saath rehna. I call my grandfather Dadu. He is the village postman. Dadu has a bicycle. He delivers the letter of the pupil and also teach in our village. He is teaching me how to read and write. Call my grandmother Dadi. She sits the cot in the veranda and feeds the pigeons and the hens. She teaches me to sing bhajans. I call my father Bapu. My father is a farmer. He grows the crops and sells them in a village market. He teach me to ride a bicycle. I call my mother Ma. My mother cooks after our house. She brings water from the other village well, cooks food and cleans the house. Mother teach me draw and color. I have a elder sister too. I call her Didi. She is the nurse at the village dispensary. She tells me fairy tales every day. मेरे ग्रैंडफादर हैं जिन्हें मैं दादू कहता हूँ, जो पोस्टमैन है, जो साइकिल में बैठकर पत्र एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाते हैं। मेरी दादी माँ जो मुझे भजन सिखाती हैं। मेरी माँ जो खाना बनाती है दूसरे कुएं से जल पानी लाकर। मेरे पिताजी जो खेतों में काम करते हैं, किसान हैं, वो मुझे साइकिल में बैठना सिखाते हैं। मेरी दीदी जो कि एक गांव के अस्पताल में नर्स है। वी हेल्प ईच अदर इन अवर फैमिली। वी ऑल लव रिस्पेक्ट हेल्प एंड केयर वन अनदर। ग्रैंडफादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम द विलेज मार्केट। ग्रैंडमदर स्टिच क्लोथ्स फॉर ऑल ऑफ अस। आई हेल्प माय ग्रैंडपेरेंट्स। आई गेट फ्लू फॉर माय ग्रैंडमा। Morning prayers. I sometimes wash my grandfather's bicycle. Father sells the crops and earns money. He buys clothes and food for us. I have my mother load the crops and vegetables onto our tractor. Mother keeps the house neat and clean. She cooks food for all of us. I help my mother in the house. My sister feeds our animals. I help her in preparing the fodder. हम परिवार में एक दूसरे के सबके साथ प्यार, रिस्पेक्ट और एक दूसरे की मदद करते हैं। हमारे दादाजी बाजार से सब्जियां और दूध लाते हैं। दादी माँ सबके कपड़े सिलती हैं। पिताजी फसल को बाजार में बेचकर पैसा कमाते हैं। माँ सबके लिए खाना बनाती है। बहन जानवरों के लिए खाना चारा काटती है। Togetherness in the neighborhood. Neighborhood पड़ोसी, togetherness एक साथ, पड़ोसियों के साथ एक साथ रहना। My neighborhood is very big. Several families live in it. Everybody works hard to earn money. This is how we fulfill our needs and wants. My friend Raman's father is the village constable. Raman's mother is a teacher at the village school. The government pay them a salary. Chacha Hamid is a washerman. He washes clothes of the villagers. We all pay him every month. Sardar Ji Singh is a driver. He drives the village bus to the city. Salim Ali is the conductor. He collects the fare from the passenger for his services. Mere padosh mein तरह तरह के लोग रहते हैं और सब अपना काम करके पैसा कमाते हैं। एक मिस्टर रमन रहते हैं जो कि विलेज गांव में सिपाही हैं। रमन्स की माँ है जो गांव के स्कूल में टीचर हैं और इन सबको सरकार सैलरी देती है। चाचा हामिद हैं धोबी जो कि कपड़े धोते हैं और जिनको सब लोग पैसे देते हैं। सरदार जी जो ड्राइवर हैं वो गांव से बस के लिए ट्रैक्टर चलाते हैं।
कंडक्टर है जो कि किराया जमा करके पैसेंजर यात्रियों को टिकट देते हैं। वी विल टूगेदर हैप्पीली इन अवर नेबरहुड, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल अवर कम्युनिटी, वी डेकोरेट अवर विलेज फॉर ऑल फेस्टिवल्स व्हेन इट इज ईद, वी गो टू हामिद चाचाज हाउस, वी विश हिम ईद मुबारक, व्हेन इट इज क्रिसमस वी गो टू जैक्स हाउस, ही गिव्स अस केक एंड स्वीट्स, व्हेन इट्स गुरु पर वी गो टू सरदार जी हाउस, ही गिव्स अस हलवा टू ईट, मदर प्रिपेयर स्वीट्स फॉर दिवाली, वी डेकोरेट अवर हाउसेस एंड बर्न द फायर क्रैकर्स एंड डू पूजा। पड़ोस में हमारे विभिन्न जातियों के लोग रहते हैं, कुछ लोग ईद मनाते हैं जिनके घर हम जाके ईद मुबारक विश करते हैं, कुछ लोग क्रिसमस मनाते हैं उनको क्रिसमस की बधाई देते हैं, कुछ लोग गुरु पर्व मनाते हैं, कुछ लोग दीपावली मनाते हैं। पब्लिक सर्विसेज। लास्ट समर आई वेंट टू विजिट आंट हू लिव्स इन अ सिटी, आई सॉ मैनी ब्यूटिफुल प्लेसेस देयर, सी ऑल्सो लुक took me to places that are meant serve the public. People pay tax to the government for these services. Let tell you about these services. पिछली गर्मी मैं अपनी आंटी से मिलने शहर गया, वहाँ उन्होंने मुझे बहुत अच्छी अच्छी जगह दिखाई जो पब्लिक की सेवा करने वाली जगह भी ले गई। लोग इन सेवाओं के लिए टैक्स अदा करते हैं। पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस इज अ बिग बिल्डिंग, इट हैज़ ए रेड पोस्ट बॉक्स एज वेल एज ए ग्रीन पोस्ट बॉक्स नियर इट्स गेट। लोकल लेटर्स आर ड्रॉप्ड इनटू द ग्रीन बॉक्स एंड लेटर्स टू बी सेंट टू अदर स्टेट सिटीज द कंट्रीज आर ड्रॉप्ड इनटू द रेड बॉक्स। The postman collects the letter from the boxes and takes from them inside the post office where they are stamped. Then the letters are sent by land or air transport to different places. We can buy stamp postcards and envelope from the post office. We can also send telegram from the post office. Post office. Post office एक बड़ी building होती है, वहाँ लाल रंग का पोस्ट बॉक्स होता है, उसमें लेटर डाले जाते हैं और पोस्टमैन उन पत्रों को इकट्ठा करके जो जिस एरिया के होते हैं वो अलग अलग जगह पहुंचाता है। यहाँ से हम टेलीग्राम भी कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन। द पुलिस स्टेशन प्लेस अ मेजर रोल इन कीपिंग द नेबरहुड सेफ एंड सिक्योर। द पुलिस इंस्पेक्टर लुक्स आफ्टर द कंप्लेंट दैट आर लॉग्ड एट द पुलिस स्टेशन, ही हैज़ मैनी constable to help him. The police protect us from thieves and pickpockets. They are caught and put behind bars. हमारे पड़ोस को हमारे समाज को सुरक्षित करने के लिए पुलिस मुख्य भूमिका अदा करती है। जो हमारी शिकायतें होती हैं उनको हम पुलिस स्टेशन में दर्ज कराते हैं और वो उनकी देखभाल करते हैं। He has many constable to help. और इस काम के लिए बहुत सारे सिपाही उनकी मदद करते हैं। पुलिस चोरों और जेब कतरों से हमारी रक्षा करती है और उन्हें पकड़कर जेल में बंद करती है। हॉस्पिटल। We go to a hospital when we are sick. The doctors and nurses of the hospital help us get well. In case of sickness, we visit or get admitted in the hospital for treatment. अस्पताल, जहाँ हम बीमार होते हैं, डॉक्टर हम और नर्स हमारी देखभाल करते हैं। इन केस ज़्यादा बीमार होने पर वे हमें भर्ती करते हैं और हमारा इलाज करते हैं। जनरल मार्केट। अब मार्केट इज़ अ वंडरफुल प्लेस, वी कैन बाय अवर डेली नीड्स फ्रॉम द ग्रोसरस एंड कॉन्फेक्शनरी इन द मार्केट। At the market, we can find many people like tailors, cobbler, and carpenter doing different kinds of work. They earn money by providing their goods and skilled service to the people. बाजार एक बहुत अच्छी जगह है जहाँ पर हम अपनी जरूरतों का सामान खरीदते हैं। यहाँ पर दर्जी, मोची और कार बढ़ई
अपना अपना काम करते हैं और वे अपने अपने काम और अपनी सेवाओं को देकर हमसे पैसा कमाते हैं। In my own village, we too have public services. This is how the members of community enjoy this service. Our village school is not a building. We study under a big banyan tree. We do not have a market, but every week there is a hart where we buy things for our needs and wants. There is a big post office in nearby village. The postman comes and collect our letters from the head of our village. The sarpanch every day. Our village does not have a hospital. A small mobile van comes with the doctor every Sunday. We buy our medicines from the chemist in the van. Last week, a state bank opened a branch in our village. Now we all have savings account in the bank. हमारे गांव में स्कूल नहीं है, हम बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते हैं, बाजार नहीं और सप्ताह में एक बार हाट लगती जिससे हम अपनी ज़रूरतों का सामान खरीद सकते हैं। पास के गांव में ही पोस्ट ऑफिस है, वहां हम अपने लेटर डाल सकते हैं। हमारे गांव में अस्पताल नहीं है, प्रत्येक रविवार को वहां एक मोबाइल वैन आती है डॉक्टर के साथ, उस मोबाइल वैन से हम अपनी दवा भी ले सकते हैं। हमारे गाँव में एक स्टेट बैंक की शाखा भी खुल गई है जहाँ हम अपना पैसा भी जमा कर सकते हैं। धन्यवाद।